हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइव स्टार क्लासेस में। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए शुरू की सर्व पावर योजना? कौन सी योजना? सर्व पावर योजना। किसने महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर योजना की शुरुआत की? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में डॉक्टर हर्षवर्धन, बी में है एस जयशंकर, उसके बाद सी में है रमेश पोखरियाल और डी में है अमित शाह। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने ही महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के सर्व पावर योजना की क्या किए? शुरुआत किए हैं। उसके बाद ये जो सर्व है, सर्व पावर, तो ये सर्व जो है इसका फुल फॉर्म होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस, साइंस एंड इंजीनियर, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, रिसर्च बोर्ड। क्या होता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो सब पावर जो है इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा ये कि जितने भी जो महिलाएं हैं उन्हें इसे इंजीनियरिंग में सहायता के लिए उससे क्या किया गया, ये जो सर्व पावर योजना है इसका शुरुआत किया गया है। इसको बढ़ावा देने के लिए, इंजीनियर को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट दो नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि दो नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दो नंबर क्वेश्चन ये है कि पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में आरोग्य वन, गुजरात के किस जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया, ठीक है। तो किस जिले में? तो ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, सूरत और जामनगर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा जिला। गुजरात के नर्मदा जिला में नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। और यहीं पर कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सिप लेन का सेवा का जो है शुरुआत नर्मदा जिला से ही किया गया है। तो ये जो है यहाँ पर आरोग्य वन जो है इसका उद्घाटन नर्मदा जिला में किए किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता दूं कि जो नर्मदा जिला में जो आरोग्य वन जो है इसका स्थापना किए है, तो इसके अलावा और दो चीज का किए है। किस चीज का किए है? तो एक है आरोग्य कुटीर एकता मॉल। कौन है? एक आरोग्य कुटीर एकता मॉल है एक, और एक है चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क। कौन है? एक चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क, ठीक है। तो ये दो जो है ये भी किए हैं। आरोग्य वन तो किए ही हैं, उसके अलावा आरोग्य कुटीर एकता मॉल और चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किए हैं। उसके बाद ये जो है आपका नर्मदा जिला तो है ये गुजरात राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है तो गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। उसके बाद गुजरात राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो विजय रूपानी है। उसके बाद गुजरात राज्य के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल वो कौन है? तो आचार्य देवव्रत है, ठीक है। तो ये भी जो है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल वो भी नरेंद्र मोदी के साथ साथ नर्मदा जिला में ये आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने किस क्रूज ब्रह्मोस सफल मिसाइल का सफल परीक्षण किए हैं भारत ने? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया F-32, सुपरसोनिक, सुखोई-30 या सुखोई-32। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सुखोई-30। सुखोई-30 को भारत ने क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। यह कहां पर किया है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां किए हैं?
बंगाल की खाड़ी में। सुखोई 30 जो है ये जो है पंजाब के एयरबेस से उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन लेकर के, और ये कहां पर लैंड किया, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसका जो मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में खोला जाएगा भारत का पहला टायर पार्क, किस राज्य में खोला जाएगा भारत का पहला टायर पार्क। तो ऑप्शन दिया गया है असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, तो इसका राजधानी जान लेते हैं कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है, कलकत्ता है। कहाँ है, कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल राजधानी कहाँ है, कलकत्ता। उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ममता बनर्जी है। कौन है, ममता बनर्जी है। और उसके बाद में बता दूं कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है, यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये पहला, ये खोला जाएगा पहला टायर पार्क। इसमें होगा क्या, जितने भी पुराने टायर्स या फिर जितने भी सड़े गड़े टायर्स होंगे वो वहां पर जाएगा और वहां से फिर उसको न्यू में तब्दील किया जाएगा। तो उसी के लिए टायर पार्क जो है खोला जाएगा। ठीक है, इस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि किसके लेखक पॉल जाचेडिया को साल 2020 का एजुथच पुरस्कार दिया जाएगा। किसके लेखक जो है पॉल जाचेडिया, ठीक है, को साल 2020 का एजुथच पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार, एजुथच पुरस्कार। तो ऑप्शन दिया गया है आपका मलयालम लेखक, तमिल लेखक, तेलुगु लेखक या फिर कन्नड़ लेखक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम लेखक। मलयालम लेखक जो है ये पॉल जाचेडिया, इन्हें ही क्या किया गया है 2020 का एजुथच पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है, ये मलयालम जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य की भाषा है मलयालम, केरल राज्य की भाषा मलयालम है केरल, और केरल राज्य से है। तो केरल के जो साहित्य सम्मान है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान, वो है एजुथच पुरस्कार। उसे पॉल जाचेडिया को यह पुरस्कार दिया जाए, तो केरल के सर्वोच्च साहित्य सम्मान है एजुथच पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद बता दूं जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, जो केरल के सर्वोच्च साहित्य जो अकादमी है उसका जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, बिसा खान है। अध्यक्ष कौन है उसके, बिसा खान। बिसा खान जो है अध्यक्ष है, किसके अध्यक्ष है, तो केरल के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार सम्मान के अध्यक्ष कौन है, बिसा खान है। और इन्होंने ही किन्हें है, तो पॉल जाचेडिया को क्या कि एजुथच पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किए हैं। तो केरल है, तो केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी कहाँ है, त्रिवंतपुरम है। कहाँ है, त्रिवंतपुरम है केरल की राजधानी। और उसके बाद बता दूं केरल के जो मुख्यमंत्री है यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनराई विजयन है। कौन है, पिनराई विजयन है। और उसके बाद बता दूं वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहम्मद आरिफ खान है। ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान या आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, वहां क्या है, राज्यपाल है। उसके बाद बता दूं जो केरल जो है वो जो है इसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। किस राज्य को, तो केरल राज्य को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो केरल मलयालम भाषा है वो केरल के भाषा है मलयालम भाषा। उसके बाद मैं बता दूं कि जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य अगर पूछा जाए तो किस राज्य को बोलिए बताइएगा, तो केरल राज्य है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है, तो केरल राज्य का ही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेट में गोल्ड जीता। एलेक्सी वैलेंटाइन इंटरनेट में गोल्ड जीता, किस भारतीय मुक्केबाज ने। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है सुशील कुमार, अमित पंघाल या शोएब खान।
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा अमित पंघाल। अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन में स्वर्ण पदक जीता है। यह जो है लॉकडाउन के बाद अंतरराष्ट्रीय पहला था ये, जिसमें इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिस्पर्धा की है और इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसके साथ ही जो सोएब खान है ये भी इनके साथ इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उसके बाद ये जो एलेक्सिस वैलेंटाइन जो ये हुआ किस देश में है, तो ये हुआ है आपके फ्रांस में। किस देश में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फ्रांस देश है तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सात नंबर, कि किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ डिजिटल सेवाओं का समझौता किया है। किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ डिजिटल सेवा क्या किया है, समझौता किया है। तो ऑप्शन दिया गया ONGC, IBM, इंटेल या फिर DLC। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, IBM कंपनी। IBM कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ क्या के डिजिटल सेवा में समझौता किया है। तो यहाँ है बात है IBM का, तो IBM का फुल फॉर्म होता है क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। ये जो है अमेरिकी कंपनी है। IBM किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। तो IBM का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है कहाँ, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में है, यूएसए देश यानी कि अमेरिका में है, तो इसका मुख्यालय हो गया। उसके बाद IBM जो है इसके CEO कौन है, तो IBM के CEO कौन है, तो अरविंद कृष्णा है। कौन है, अरविंद कृष्णा। IBM के CEO कौन है, तो अरविंद कृष्णा है। उसके बाद IBM जो कंपनी है इसके स्थापना किसने किया था, किस व्यक्ति ने, तो उसका भी नाम जान लेते हैं। तो उसका नाम है चार्ल्स रैलनेट, चार्ल्स रैनलेट फिलंट। क्या नाम था, चार्ल्स रैनलेट फिलंट नाम था जो IBM कंपनी के संस्थापक है, चार्ल्स रैनलेट फिलंट। IBM कंपनी के CEO कौन है, अरविंद कृष्णा। IBM का स्थापना मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। उसके बाद जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 30 जून 1959 को। कब हुआ था इसका स्थापना, 30 जून 1959 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था किसका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। उसके बाद बता दूं कि इसके जो CEO है वो कौन है, तो श्रीकांत माधव है। कौन है इसके CEO, तो श्रीकांत माधव है। श्रीकांत माधव किसके CEO है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के CEO कौन है, श्रीकांत माधव। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। स्थापना 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत और पाक देश के सीमा पर कितने क्षमता का रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा, कितने पावर क्षमता का। तो ऑप्शन दिया है 7000 मेगावाट, 8000 मेगावाट, 9000 मेगावाट या 10000 मेगावाट। इसमें आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 8000 मेगावाट। 8000 मेगावाट का जो है भारत और पाक देश के सीमा पर ये जो है रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क का स्थापना किया जाएगा। यह जो है किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजस्थान में। किस राज्य में किया जाएगा, राजस्थान में, जो पाकिस्तान से देश से सटा हुआ राज्य है, ठीक है। तो इस राजस्थान में किया जाएगा, तो राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत। और उसके बाद जो यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, तो उनका नाम क्या है, कमलराज मिश्र है। क्या नाम है, कमलराज मिश्र नाम है। यहाँ के राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, अशोक गहलोत, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं,
9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने। तो ऑप्शन दिया गया राजीव जैन, सुशील कुमार, राजीव जलोटा या फिर कुमार राघवन। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजीव जलोटा हो जाएगा। तो राजीव जलोटा जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के क्या बने, अध्यक्ष बने हैं। तो बात है यहाँ मुंबई, तो मुंबई है किस राज्य में, तो मुंबई है महाराष्ट्र राज्य में है। तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई ही है। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, तो उद्धव ठाकरे। क्या नाम है, उद्धव ठाकरे नाम है वहां के चीफ मिनिस्टर का। और वहां के राज्यपाल का नाम क्या है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। क्या है, भगत सिंह कोश्यारी वहां के जो है गवर्नर है। कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र से गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि किसने F1 एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2020 की खिताब जीती। ठीक है, किसने F1 फॉर्मूला 1 जो होता है रेसिंग, उसमें एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2020 की खिताब किसने जीती। ऑप्शन दिया गया है वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, डेनियल रिकियार्ड या फिर ओलाका सोवर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीते हैं। तो ये जो है इन्होंने खिताब जीते तो नंबर वन पर हैं। ये है किस देश के, तो ये है ब्रिटेन देश के। किस देश के हैं, ब्रिटेन देश के हैं। उसके बाद बता दूं कि जो वाल्टेरी बोटास है ये सेकेंड नंबर पर है, ये कितने नंबर है, सेकेंड नंबर पर। तो ये है किस देश के, तो ये है फिनलैंड के। किस देश के हैं, वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं। उसके बाद बता दूं जो डेनियल रिकियार्ड है ये 3 नंबर पर है, 3rd नंबर पर। ये किस देश के हैं, तो ये है नीदरलैंड के। किस देश के हैं, नीदरलैंड के। तो 1 नंबर पर लुइस हैमिल्टन रहे, 2 नंबर पर वाल्टेरी बोटास और 3 नंबर डेनियल रिकियार्ड रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज के लिए 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है इसे। और उसके बाद जो मेरा चैनल है 5 क्लासेस, इसे जितना से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारा वीडियो बने समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।